देखिए बच्चे, तो आज देखिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बकाया है अभी हमने देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मतलब जो खर्चे तो हो चुके हैं लेकिन हमने उनकी अभी पेमेंट नहीं की है। तो कैसे हैं देखिए, रेंट है या नहीं है, रेंट है। अब महीने का, महीना आप यूज कर लेते हो 1 मंथ, तो उसके पैसे तो दिए ही नहीं है। अब क्या हो गया वो आउटस्टैंडिंग, क्या हो गया वो आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है। तो देखिए इसमें ऐड कौन कौन से होंगे और लेस कौन कौन से होंगे। देखिए ऐड कौन से होंगे, ऐड होंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्या हो जाएंगे ऐड, एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 2020 है, तो ये वाले तो ऐड हो जाएंगे। अगर क्या है 1 अप्रैल 2019, ये क्या है एंड ऑफ द ईयर, ये क्या है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना। तो ये वाले तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और ये वाले कौन से हो जाएंगे लेस, लेस कौन से होंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझ आया नहीं आया, जो लास्ट वाले एंड वाले वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और जो बिगिनिंग वाले हैं वो क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। क्यों होंगे, देखिए बच्चे जो लास्ट में बकाया हैं वो तो इसी साल के होंगे, बिगिनिंग वाले तो पिछले साल के होंगे, तभी वो क्या हो जाएंगे लेस, ये वाले क्या हो जाएंगे ऐड। अब ये बैलेंस शीट में कहाँ का शो होते हैं, देखिए बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये कौन सी बैलेंस शीट में है, ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि बैलेंस शीट में जाएगा कहाँ, ये क्या हमने देने हैं पैसे, अगर जब देने होते हैं तो वो क्या होती है हमारी लाइबिलिटी, क्या होती है लाइबिलिटी। जब पैसे देने हैं हमने किसी के तो वो क्या बन जाएगी लाइबिलिटी, तो ये किस साइड शो होगा लाइबिलिटी। अब एट द एंड ऑफ द ईयर है तो ये कौन सी साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग ऑफ द ईयर है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये कौन सी साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। समझाए नहीं आया कि दो बैलेंस शीट बनती है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, एंड वाली क्लोजिंग में, बिगिनिंग वाली ओपनिंग में, कौन सी साइड आएगा दोनों ही लाइबिलिटी साइड। समझ आ गया, ये क्या है रेंट आउटस्टैंडिंग, एड क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कहाँ से होएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, लेस क्या होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कहाँ से होएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं बकाया, मतलब बका सॉरी कि जो हमने पहले से पे कर चुके हैं, अभी वो एक्सपेंस हुए नहीं थे लेकिन पहले क्या है पहले ही हमने पेमेंट उनकी कर दी है होने से पहले, प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे उनको। अब क्या है देखिए, लेस क्या कर दें, पहले ऐड क्या कर देंगे इसमें, इसमें ऐड क्या किया था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन इसमें ऐड क्या करेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐड क्या क्या कर देंगे बिगिनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये हमने पहले से ही पैसे भर दिए, मतलब इस साल वाले जो इस साल खर्चा हुआ वो हमने पिछले साल दे दिया, जो आगे होगा वो हमने इस साल दे दिया, और लेस क्या कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर। देखिए समझाया, ऐड इसमें ऐड क्या किया था बिगिनिंग, इसमें क्या है लेस किया है, अपोजिट हो जाएगा इनसे बिल्कुल। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंस हमने पहले से पैसा दे दिया, मतलब क्या है ये हमारी एसेट्स, क्या है हमारी ये एसेट्स, क्या है एंड ऑफ द ईयर है, तो ये कहाँ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिगिनिंग या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। समझाया नहीं आया, ये एंड वाला तो हमेशा क्लोजिंग में आता है, बिगिनिंग वाला हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये तो समझ आ गया अच्छे से। आगे देखिए अब एक सम है, ये देखिए 12th सम है, इसमें क्या बनाना है बच्चे, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तीन चीज हमने इसमें बनानी है। अब देखिए बच्चे कैसे है ये सम, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए बच्चे,
देखिए बच्चे, हमने ये तीन फॉर्मेट तैयार कर ली। देखिए बैलेंस शीट बना ली है, ये कौन सी है, 2013 की। अब इसमें सब में देखिए क्या है, 31 मार्च 2014 है या नहीं है। तो मतलब एक ये वाली बैलेंस शीट बनानी है, एक आगे वाली मतलब बिगिनिंग वाली 31 मार्च 2013 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है 31 मार्च 2014। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सब में क्या बनाना है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बना के दिया हुआ है। आपने क्या बनाना है, न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च 2014, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये सब हम देख लेंगे अब। तो सबसे पहले देखिए, टू बैलेंस बिड ऑन 1 अप्रैल 2013, तो ये किस में आ जाएगा, 13 वाली बैलेंस शीट में। किस नाम से आएगा, किस नाम से आएगा बच्चे, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है बैलेंस, देखिए 2300 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 13 वाली में है ना तो 13 वाले में डाल देंगे, 2300 डाल दिया। अब सेकंड देखिए क्या लिखा है, टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हम किस में लिखेंगे, रिसिप्ट है मतलब रिसिप्ट साइड है, तो ये हमारी क्या है इनकम, तो सब्सक्रिप्शन किस में चले जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या है देखिए, टू सब्सक्रिप्शन दिया हुआ, तो बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए बच्चे अब ये देखेंगे पहले कि हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ आउटस्टैंडिंग, सैलरीज भी दी हुई आउटस्टैंडिंग, क्लब हेड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ 12,000, ये सब दिए हुए, डेप्रिसिएशन भी लगाना है हमने कितना 20%। तो अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2013 4,000, कितना 4,000 सब्सक्रिप्शन क्या है आउटस्टैंडिंग 4,000 है, मतलब पिछले साल का है 13, हम किसका बना रहे हैं 14 का, तो ये क्या हो जाएगा लेस, और 14 वाला क्या हो जाएगा ऐड, तो टू सब्सक्रिप्शन कितना 56,400 ऐड क्या कर देंगे इसमें, आउटस्टैंडिंग कितना है ऐड 2014 वाला, तो क्या कर देंगे ऐड कितना है 6,000, और लेस क्या कर देंगे 13 वाला कितना है 4,000। देखिए हो गया, तो ये ऐड ये लेस, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 58,400, ये हो गया। इतना होने के बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। अब देखिए बच्चे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो चुका, अब क्या है टू इंटरेस्ट कितना है 300, तो इंटरेस्ट हमें मिला है, तो ये किस साइड चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय इंटरेस्ट कितना है 300 लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब देखिए टू डोनेशन, अभी स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये किस में चले जाएगा, ये भी डोनेशन भी सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो क्या लिख देंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितना मिला है 6,000। अब क्या है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब क्या है ये स्पेशल डोनेशन है, स्पेशल डोनेशन मिला है किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए मिला है या नहीं मिला, तो बिल्डिंग फंड के लिए स्पेशल डोनेशन मिला है, तो किसमें चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किसमें चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो क्या लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना कितना है देखिए 50,000 यहाँ तक होगी बात कही है। आगे देखिए टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हुए हैं ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये किसमें आ जाएंगे टू मिसलेनियस रिसिप्ट, सॉरी ये क्या है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट है तो ये किसमें आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट कितनी है 430 हो जाएगा। अब क्या है टू सेल ऑफ ग्रास, ये रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय सेल ऑफ ग्रास कितनी 100 रुपये हो गया। ये तो हो गया। अब देखिए पेमेंट वाले से, बाय मैच एक्सपेंसेस क्या है, बाय मैच एक्सपेंसेस, एक्सपेंस दिए हुए तो मतलब मैच फंड भी देंगे। अब देखिए मैच फंड दे रखे हैं, सॉरी हम भूल गए हैं, टू मैच फंड है 10,000 है, मैच फंड है, स्पेशल फंड है, तो किस में आ जाएंगे इसमें, तो मैच फंड कितने हैं 10,000
अब एक्सपेंस दे रखे हैं तो इसमें से क्या हो जाएंगे वो लेस, एक्सपेंस क्या हो जाएंगे इसमें से लेस। देखिए कितने हैं, मैच एक्सपेंसेस 6800, लेस मैच एक्सपेंसेस कितने 6800, तो कितने बच गए 3200 हो जाएगा ये। अब देखिए बाय रेंट कितना है, रेंट कितना है 9600, क्या है हमारा पेमेंट है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस हो गया ना, ये क्या है एक्सपेंडिचर वाली लाइन, ये क्या है इनकम वाली, तो क्या है बाय रेंट है तो टू रेंट किस नेम से आ जाएगा 9600। अब आगे है बाय सैलरीज, अब सैलरीज के साथ इन्होंने दिया आउटस्टैंडिंग है तो क्या लिख देंगे बाय सैलरीज मतलब टू सैलरीज कितनी है 24000। अब देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 की कितनी है 2000। सबसे पहले तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हम कहाँ दिखाएंगे, आपको बोला था 13 की 13 वाली में बैलेंस शीट में, 14 की 14 वाली बैलेंस शीट में, तो ये पहले दिखा देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब कि हमारे क्या है लाइबिलिटी, तो क्या लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 2000, और 14 की कितनी है आउटस्टैंडिंग 2500, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे 2500, ये हो जाएगा। अब देखिए सैलरी है ऐड कौन सी कर देंगे, 14 वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 25, और लेस क्या कर देंगे 13 वाली कितनी थी 2000, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 24500 हो जाएगा। आगे देखिए क्या है सैंडरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है ये किस में चले जाएंगे इसमें, टू सैंडरी एक्सपेंसेस कितने हैं 3600। आगे देखिए बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज की है 30000 की, हमारे पास देखिए इन्वेस्टमेंट होगी कितनी है 12000 की, तो पहले थी इन्वेस्टमेंट और परचेज कर ली 30000 की, पहले ये इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे मतलब कि क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की थी पहले 12000 की, तो यहाँ आ जाएगी ओपनिंग थी ना, और पहले यहाँ थी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 12000 की थी, ऐड क्या हो जाएगी एडिशनल कितने की 30000 की, तो कितना आ जाएगा ये 42000। एक बच्चे सब्सक्रिप्शन है ये भी हमने लिखना था, 13 वाला 13 में 14 वाला 14 में, सब्सक्रिप्शन भी तो लिखना था ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13 वाला कितना था 4000, 14 वाला कितना है 6000, समझ आ रहा है नहीं। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज होगी है बाय न्यूज़पेपर, बाय न्यूज़पेपर तो यहाँ आ जाएगा टू न्यूज़पेपर कितने हैं 750। अब देखिए इन्होंने बोला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पहले ये देखिए यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फर्नीचर कितने का हमारे पास 10000 का, फर्नीचर कितने का है 10000 का, तो फर्नीचर लिख देंगे हम, फर्नीचर यहाँ भी आ जाएगा कितने 10000, और फर्नीचर क्या है 10000 क्या है यहाँ भी आ जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर यहाँ आ जाएगा, फर्नीचर कितने का 10000 का, इन्होंने डेप्रिसिएशन बोला है लेस डेप्रिसिएशन, देखिए बच्चे डेप्रिसिएशन कितना फर्नीचर पर 20%, डेप्रिसिएशन कितना है 20, तो कितना बनेगा 2000, तो कितने आ जाएंगे 8000। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे कितना आ जाएगा 2000। आगे देखिए क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यू क्या है 20000, पहले कितनी थी 32000, पहले कितनी थी 32000,
और ले ली ना, पहले कितनी थी 20,000, तो 20,000 यहाँ लिख देंगे पहले, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितनी 20,000, 20,000 यहाँ भी आ जाएगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थी 20,000 और ले ली हमने, एडिशनल ले ली, ऐड हो जाएगी ये कितने की 32,000, कितने की हो जाएगी 32,000 हो जाएगी, ये नहीं 32,000 32,000 हो जाएगी। अब ये टोटल तो होगी 52,000। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है ये देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%, 52,000 का 25% कितना बनता है 13,000, तो ये कितना आ जाएगा 39,000 आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ गया आपका। अब देखिए आगे क्या रहता है अपना, बैलेंस सीडी कितना है, बैलेंस सीडी कितना 18,780, मतलब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 14 में कितना है 18,780 है या नहीं है, हो जाएगा। तो ये सम आपका कंप्लीट होता है। तो अब देखिए क्या है, इन सबको ऐड करके ये लेस हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, क्या आ जाएगा कैपिटल फंड। इन सबको ऐड करने के बाद इसको हमने क्या किया लेस, तो हमारा कितना बचता है 46,300। तो ये कितना टोटल होता है 48,300। अब इन सबको लेस करने के बाद इन सबको ऐड करो, इन सबको क्या करो लेस। अब ये कैपिटल फंड हमारे कहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कहाँ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आगे क्या है, इन सबको ऐड किया, इन सबको क्या किया लेस, ऐड करने में बेटा डेप्रिसिएशन रह गया अपना किस पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना था 13,000, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000, तो टोटल कितना हो गया ये 15,000। अब इन सब को ऐड करने के बाद ये लेस करना, तो हमारे क्या आ जाएगा 2xx इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 11,780, मतलब ये हमारा क्या है ज़्यादा है, ये क्या है कम, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा हुई है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है कम हुआ है, तो कितना है बैलेंस इनकम टोटल 65,280, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब ये वाला बैलेंस एंड ये वाला बैलेंस क्या हो जाएगा दोनों ऐड, कैपिटल फंड एंड ये क्या है 2xx इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन सरप्लस, तो क्या आ जाएगा देखिए, कैपिटल फंड कितना हुआ, फंड कितना है 46,300, ऐड क्या आ जाएगा सरप्लस, ये देखिए 46,300 कहाँ से आया यहाँ से। अब सरप्लस ऐड करेंगे इसमें, ये कौन सा है ये वाला 11,780 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 58,080। तब इन दोनों का बैलेंस हमेशा सेम आएगा, क्या आएगा इनका 1,13,780। तो ये बच्चे आपका सम होता है कंप्लीट। तो बच्चे देखिए 12 सम 13 14 यहाँ तक की आपकी ये सम सेम है। कल आपको होएगा न्यू टॉपिक कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स। थैंक यू।